Hello everyone, my name is Pooja. Hope all of you are doing well. Today I'm going to talk to you about numbers. Well, we are going to find out what your lucky number is and how we can enhance the power of your number. आपने देखा होगा कि अक्सर क्रिकेटर्स अपने जर्सी पे एक पर्टिकुलर नंबर पहनते हैं. जब भी वो कोई भी मैच खेले हमेशा वही पर्टिकुलर नंबर की जर्सी वो पहनते हैं. क्यों? क्योंकि वो नंबर उनके लिए लकी होते हैं. अब आप पूछोगे नंबर्स ही क्यों? वेल, एक नंबर्स ही है जिनको हम एक फ्रीक्वेंसी में मेजर कर सकते हैं. ऑलराइट, नंबर्स ही है जिससे हम और डिवाइन कनेक्ट हो सकते हैं. ऑलराइट, आप बॉर्न हुए हो एक पर्टिकुलर डेट पे. से फॉर इंस्टेंस, आप बॉर्न हुए हो 11th ऑफ जैन. ओके, यू आर नॉट बॉर्न ऑन मे बी द 10th और द 12th, पर कौन से डेट पे बॉर्न हुए हो? 11th ऑफ जनवरी. नाउ दिस नंबर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन योर लाइफ. ये नंबर की कोई तो इम्पोर्टेंस होगी आपके लाइफ में, इसलिए आप उस दिन पे बॉर्न हुए हो. सो आइए देखते हैं आपका लकी नंबर क्या है और कैसे आप इस नंबर का पावर एनहांस कर सकते हैं. आज हम बात करेंगे नंबर 1 और नंबर 2 की. तो आइए देखते हैं नंबर 1. तो नंबर 1 के लोग कौन होते हैं? नंबर 1 मींस पीपल हु आर बॉर्न ऑन द 1st, द 10th, द 19th और द 28th ऑफ एनी मंथ. ये लोग होते हैं नंबर 1 पीपल. अब नंबर 1 पीपल होते हैं बॉर्न लीडर्स. इनका रूलिंग प्लैनेट है सन. जिस तरीके से सोलर सिस्टम में सन होता है सेंटर में और सारे प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, सिमिलरली होता है नंबर 1 पर्सन. वो होता है लीडर जो कि सेंटर में होता है और सब लोगों को गवर्न करता है, या रादर यू कैन से सब लोग उसके आसपास घूमते हैं. वेरी गुड लीडर्स. ऑलराइट, पर अगर किसी वजह से आपको लग रहा है कि आप चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं? आप लीजिए एक छोटा सा गोल्डन कलर का कपड़ा और उस पे येलो कलर के पेन से या स्केच पेन से आप लिख दीजिए उसके ऊपर नंबर 1. वो दिखाई नहीं देगा, कोई बात नहीं, पर वो नंबर आप लिख के गोल्डन कपड़े के ऊपर उसे बंद करके अपने वॉलेट या अपने पर्स में रख दीजिए. फिर देखिए किस तरीके से उसका पावर बढ़ता है और आपको उसके इफेक्ट्स दिखते हैं. ये हो गई बात नंबर 1 की. अब लेंगे नंबर 2 पीपल. नंबर 2 पीपल होते हैं लोग जो बॉर्न हुए हो 11th और 29th ऑफ एनी मंथ. ये होते हैं नंबर 2 पीपल. नंबर 2 पीपल का प्लैनेट है मून. मून होता है चंचल. जिस तरीके से मून होता है चंचल, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, ये लोग होते हैं बहुत ही इमोशनल, वेरी सेंटिमेंटल बट वेरी क्रिएटिव. अभी इस पर्सन को अगर ऐसा लग रहा हो कि मैं ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ या चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं आपका पावर बढ़ाने के लिए? जैसे मून लेता है सूरज की रोशनी से उसे रोशनी मिलती है, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? अगर उन्हें लगता है कि लाइफ कहीं अटक गई है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप कीजिए एक उपाय. जिन लोगों को आप लुक अप करते हो, इन द सेंस जिनको आप मानते हो, उनसे आप राय लीजिए. वो आपको गाइड करेंगे और उनसे एडवाइस लेने के बाद आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, अच्छे से आप आगे ही बढ़ते जाएंगे. और आप लोग क्या उपाय कर सकते हो? आप लीजिए एक सिल्वर कॉइन. ओके, छोटी सी सिल्वर कॉइन लीजिए, राउंड या स्क्वायर, और आप रख सकते हैं इसे अपने वॉलेट में. सिल्वर इज वेरी गुड फॉर नंबर 2 पीपल, वेरी लकी. तो ये कॉइन आप रखने के बाद इसके इफेक्ट्स को एनहांस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. आई होप ये रेमेडीज आप यूज करें.
अगले वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 3 और नंबर 4 पीपल की. थैंक यू.